आप रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाए, तो रिवीजन के समय जो मान ली आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, आपको अच्छे से रिवीजन करना है, तो उस समय पूरी किताब पढ़ नहीं सकते। तो क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने, शॉर्ट नोट्स अपना से बनाया हुआ शॉर्ट नोट्स, खुद का कॉपी तैयार किया जाना चाहिए, तभी आप अच्छे से रिविजन कर पाएंगे। कैसे बना सकते हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स ज़्यादातर आपका क्या हो, डायग्राम हो, टेबल हो, फ्लो चार्ट हो, कॉन्सेप्ट मैप हो। अभी हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट मैप भी कैसे तैयार करते हैं। सपोज करिए कि अगर मुझे बनाना है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, पहला चैप्टर है आपका, है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये 12 का पहला चैप्टर है। अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को अगर आप एनसीईआरटी के रेफरेंस में लेके देखेंगे तो मेनली आपको उसमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, अब दूसरा क्या पढ़नी है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपको मेनली पढ़ना क्या है, ऐसे हमने एक लाइन खींच दिया, अब इसमें कितनी चीजें आपको पढ़ना है, नंबर वन फिजन। फिजन जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है बाइनरी और दूसरा हो सकता है मल्टीपल। फिजन के बाद आता है क्या, बडिंग। बडिंग के बाद क्या होगा, फ्रेगमेंट कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद और क्या हो सकता है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन। री जेनरेशन हो सकता, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है, ये सब हो सकता है ना। इसके साथ साथ ही आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है, बाइनरी किसमें होता है, बाइनरी इन अमीबा, मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम, बडिंग इन हाइड्रा, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, स्पोर फॉर्मेशन इन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर जू स्पोर होता है, किसमें होता है, क्लाइडोमोनास में। रीजनरेशन इन प्लानेरिया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कुछ स्ट्रक्चर्स, इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे किसके किसके कारण हो सकता है, कुछ एग्जांपल अगर हम लोग इसमें देखें तो आई इन पोटैटो, राइजोम इन जिंजर, बल्बिल, ऑफ एगेव, लीफ बड, इन ब्रायोफाइलम, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, कभी कभी क्वेश्चंस में आता है, अभी तो हम लोग इसको तो पढ़ नहीं रहे हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन को, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये तो क्या प्रोसेस, ये कितने प्रोसेस हैं, तो स्ट्रक्चर में कुछ खास स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिए। इसमें क्या याद रखना है, जो भी पढ़े हैं वही, जू स्पोर। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जू स्पोर तो स्ट्रक्चर है एक सेक्सुअल का, ये प्रोसेस क्या है, स्पोर फॉर्मेशन का, तो उसी में से स्ट्रक्चर क्या हो गया, जू स्पोर हो गया, किसका, क्लाइडोमोनास का।
इसके बाद कोनिडिया होता है, कोनिडिया किसमें होता है, पेनिसिलियम में। बड होता है, ये किसमें होता है, हाइड्रा में। गेम्यूल्स होते हैं, ये किसमें होते हैं, स्पॉन्ज में। ये सब क्या है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। उसी तरह से प्लांट की अगर बात करेंगे तो प्लांट में भी कुछ कुछ होगा जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, क्या क्या होगा, राइजोम होगा, बल्बिल होगा, इसके अलावा भी होते हैं जैसे कि रनर स्ट्रक्चर होता है, सकर होता है, ट्यूबर होता है, बल्ब होता है, सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये हो गया आपका शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, कि आपको अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो इतना आपको याद होना है बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। आज के NCERT हाईलाइट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और इसमें हम लोग दो बातें पढ़ने वाले हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, होता क्या है रिप्रोडक्शन। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सभी ऑर्गेनिज्म सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिंदा रहते हैं। तो उसकी स्पीसीज कैसे बनी रहेगी इस दुनिया में, कैसे उसका पीढ़ी आगे बढ़ेगा, इसी के लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि हमारा स्पीसीज, हमारा जो स्पीसीज, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो बरकरार रहे। और जो सर्टेन पीरियड हम लोग जीते हैं, हर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ होता है उसी को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पेन। अब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक लाइफ स्पेन है, जैसे NCERT में एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हैं और उसका लाइफ स्पेन दिया हुआ है, कुछ खाली जगह भी है उसको हम लोग फिल कर लेंगे। तो सबसे पहले ये एलिफेंट, एलिफेंट का कितना होता है लाइफ स्पेन, एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन होता है वो 60 to 90 ईयर का होता है। मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं गौरव बायोलॉजी। एक एनिमल सिस्टम में इतनी तरह की वैरायटी है, तो क्या लगता है कि इस पूरी दुनिया में, पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है तो कितने तरह के जीव जंतु होंगे, कितना क्लासिफिकेशन होगा, क्यों हम लोग क्लासिफिकेशन करें, इन सब सवालों के जवाब चैप्टर में अभी आपको मिलेगा जब हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना।